Hello, let's See the question. The question says that the angle of elevation of the top of a tower, as observed from a point in a horizontal plane through a foot of the tower, is 32. When the when the observer moves towards the tower a distance of hundred meter, he finds the angle of elevation of the top of top to be 63 degree. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट पोजिशन फ्राम द टावर टेक टेन थर्टी टू इज ई इक्वल टू जीरो पॉइंट सिक्स टू फोर एट एंड टेन सिक्सटी थ्री इज ईक्स टू वन पॉइंट नाइन सिक्स टू सिक्स यहाँ पे हमारे पास क्या है देखिए हमारे पास हमको बोला है एंगल ऑफ़ एलिवेशन जो है टॉप ऑफ द टावर जो है वो कितना गिवन है यहाँ पे थर्टी टू डिग्री गिवन है अब देखिए हमको बोला है ऑब्जर्वर जो है अगर वो हंड्रेड मीटर मूव कर जाए टावर की तरफ तो जो एंगल है वो सिक्सटी थ्री डिग्री बन जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड द हाइट हाइट और जो फर्स्ट पॉइंट है उससे टावर की डिस्टेंस जो है वो कितनी होगी हमको बताना है तो सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हमारे पास में क्या होगा की कॉन्सेप्ट हमारे पास में होगा यहाँ से हम यूज़ करेंगे कुछ फॉर्मूलाज यानी कि टेन थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होता है ये फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं अब सबसे पहले हम यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं डायग्राम क्या बनेगा देखिए हमारे पास में एक टावर है यहाँ पे एक टावर है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया अब देखिए हमको बोला है कि टावर से टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमको सबसे पहले कितना दे रखा है थर्टी टू डिग्री दे रखा है और फिर जैसे ही हम हंड्रेड मीटर्स मूव कर जाते हैं इसकी तरफ टावर की तरफ अगर हम हंड्रेड मीटर्स मूव करते हैं देन उसके बाद में एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा देखिए ये हमने पॉइंट बोल दिया ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास में कितना हो जाएगा सिक्सटी थ्री डिग्री हो जाएगा ये हमारे पास एंगल्स बनेंगे तो हमको डिस्टेंस बतानी है फर्स्ट पॉइंट की जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है उससे डिस्टेंस तो यहाँ पर हमने बोला ए बी सी और डी हमने ये ट्राएंगल बना लिया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इन ट्राइंगल ए बी सी बात कर ली हमने तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ए बी अपॉन यहाँ से हो जाएगा बी सी दिस इज़ इक्वस टू यहाँ से कितना हो जाएगा टेन सिक्सटी थ्री बनेगा अब देखिए टेन सिक्सटी थ्री बनेगा यहाँ से हमने बोला ए बी जो है अब हमको फाइंड आउट करना है दोनों तो हमको बी सी भी फाइंड आउट करना है और ए बी भी फाइंड आउट करना है तो यहाँ से हमने बोला ए बी इज इक्वल टू बी सी और टेन सिक्सटी थ्री जो है वो हमारे पास कितना हो जाएगा वन पॉइंट तो हमने बोल दिया वन पॉइंट नाइन सिक्स टू सिक्स मल्टीप्लाइड बाई बी सी यहाँ पर हमारे पास मीटर्स में आ जाएगा ये तो हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन अब हमने बात की इन ट्राइंगल ए बी डी की बात की तो ए बी डी ट्राइंगल की बात की तो हमारे पास क्या हो जाएगा ए बी डिवाइडेड बाई यहाँ से क्या हो जाएगा बी डी अब ए बी और बी डी कितना हो जाएगा यहाँ से देखिए बी सी प्लस यहाँ से हंड्रेड ये किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पे टेन थर्टी टू डिग्री के इक्वल हो जाएगा तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ए बी जो है यहाँ पे भी हमारे पास ए बी इक्वल हो जाएगा बी सी प्लस हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई टेन ट्वेंटी थ्री डिग्री हो जाएगा जीरो पॉइंट सिक्स यहाँ पर हो जाएगा टू फोर एट हो जाएगा ये हमने बोल दिया अब देखिए ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड अब यहाँ से हम ए बी और ए बी को इक्वल कर सकते हैं तो फर्स्ट और सेकंड से बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से वन पॉइंट नाइन सिक्स टू सिक्स मल्टीप्लाइड बाई बी सी इज ई टू जीरो पॉइंट सिक्स टू फोर एट मल्टीप्लाइड बाई बी सी प्लस यहाँ से सिक्सटी टू पॉइंट फोर एट हो जाएगा ये बनेगा अब यहाँ से हम बी को इधर की तरफ लेके आ जाते हैं सिक्स पॉइंट टू फोर एट बी को तो यहाँ से कितना हो जाएगा वन पॉइंट नाइन सिक्स टू सिक्स माइनस जीरो पॉइंट सिक्स टू फोर एट यहाँ से कितना बन जाएगा बी सी दिस इज़ इक्वल टू सिक्सटी टू पॉइंट फोर एट हो जाएगा अब यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या बनेगा तो यहाँ से बन जाएगा वन पॉइंट थ्री थ्री सेवन एट बन जाएगा ये बी सी इज़ इक्वल टू सिक्सटी टू पॉइंट फोर एट बनेगा अब यहाँ से बी सी जो है उसका वैल्यू निकालने के लिए हम सिक्सटी टू पॉइंट फोर एट में वन पॉइंट थ्री थ्री सेवन एट का डिवाइड कर देंगे ये हमारे पास कितना बनेगा ये डिवाइड करने के बाद में बनेगा फोर्टी सिक्स पॉइंट सेवन ज़ीरो हमारे पास में मीटर्स देखिए अब हमें हाइट ऑफ टावर फाइंड आउट कर सकते हैं हम ए बी अब देखिए ए बी जो हमारे पास में बनेगा वो बाई फर्स्ट इक्वेशन हम बता सकते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन से हम बोल सकते हैं ए बी जो है हमारे पास में वो किसके इक्वल हो जाएगा वन पॉइंट नाइन सिक्स टू सिक्स मल्टीप्लाइड बाई फोर फोटी सिक्स पॉइंट सेवन जीरो बनेगा अब देखिए ये हमारे पास बन जाएगा ए बी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ से नाइन्टी वन पॉइंट सिक्स फाइव थ्री फोर मीटर्स आ जाएगा तो इसको अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो ए बी जी इक्वल्स टू नाइन्टी वन पॉइंट यहाँ से कितना हो जाएगा सिक्स फाइव मीटर्स हो जाएगा ये बनेगा अब देखिए हमारे पास फर्स्ट जो पॉइंट है वो तो है डी तो हमारे पास जो डिस्टेंस है बी डी वो क्या हो जाएगी BD जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी देखिए यहाँ से हमने बी तो फाइंड आउट किया ही था 46.70 था तो उसमें 100 को ऐड कर देंगे तो 100 प्लस फोर्टी सिक्स पॉइंट यहाँ से कितना हो जाएगा 70 तो ये कितना हो जाएगा 146.70 बन जाएगा तो हमारे पास जो फाइनली हमारी हाइट जो है वो तो कितनी आ जाएगी हाइट इज ईक्वस टू ये बन जाएगा नाइन्टी वन मीटर्स बन जाएगा एंड डिस्टेंस जो है डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पॉइंट डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पॉइंट फ्रॉम टावर जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा ये फोर्टी ये हो जाएगा हमारे पास वन फोर्टी सिक्स पॉइंट सेवन जीरो हो जाएगा ये हमारे पास मीटर्स बन जाएगा तो हमारे पास आंसर्स क्या क्या हो जाएंगे नाइन्टी वन पॉइंट सिक्स फाइव मीटर्स और वन फोर्टी सिक्स पॉइंट सेवन जीरो मीटर्स हो जाएंगे ये हमारे पास आंसर्स बनेंगे इसके आई होप यू अंडरस्टूड इट बैल गुड लक थैंक यू